Hello and welcome to Banking Mentors. My name is Himanshi and today we'll be discussing our current affairs series. This series is provided to you on every Tuesdays, Thursdays and Saturdays. अभी तक ये जो सेशन है ये प्रीमियर होता था 9 AM को, but from now onwards it will be premiered at 7 AM. So without any further ado, let's start the session. सबसे पहला सेक्शन जो हम डील कर रहे हैं वो है नेशनल न्यूज का सेक्शन. और आज का सबसे पहला क्वेश्चन है दैट फिट इंडिया यूथ क्लब, ये जो इनिशिएटिव है ये किस मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया है. ठीक है, किस मिनिस्टर के द्वारा? तो ये लॉन्च किया गया है बाय मिस्टर किरण रिजिजू. मिस्टर किरण रिजिजू ये कौन है? तो ये हमारे यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स हैं, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर. देखिए, इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं हमें लगता है काफ़ी सिंपल है, बट यूजुअली जो आपके मिनिस्ट्रीज होती हैं उसके जो मिनिस्टर्स होते हैं इसका नाम कई बार आपके बैंकिंग एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है. अगली बात कि ये एग्जैक्टली क्या है ये यूथ क्लब. तो जो भी फिटनेस रिलेटेड जो भी इनिशिएटिव्स हैं जो बच्चों में इनिशिएट करना चाहती है आज की गवर्नमेंट, ये इस वजह से इस क्लब को, फिट इंडिया यूथ क्लब को लॉन्च किया गया है. इसी तरह से एक काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको याद रखनी है जो कि है फिट इंडिया फ्रीडम रन. ये अभी रिसेंटली 15 अगस्त को इसे ऑर्गेनाइज किया गया था, 15th ऑफ अगस्त को, और ये भी हमारे जो मिनिस्ट्री है यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की, इनके द्वारा ही किया गया था. ठीक है, तो ये क्या है, एक रन थी, एक जो है फ्रीडम रन थी जो कि 15th अगस्त के दिन सारी सेफ्टी मेजर्स को लेते हुए इसे ऑर्गेनाइज किया गया था. ओके, तो ये हमने देखा अबाउट स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, दो चीज़ें, फिट इंडिया यूथ क्लब एंड फिट इंडिया फ्रीडम रन. अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है अगेन, विच मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड द ई पोर्टल ऑन ट्राइबल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन. किस मंत्री ने आदिवासी स्वास्थ्य और स्वस्थि नाम के पोषण पर ई पोर्टल का उद्घाटन किया है? ठीक है, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि एक ई पोर्टल लॉन्च किया गया है किस चीज़ के लिए, तो ट्राइबल हेल्थ और न्यूट्रिशन के लिए, प्लस इसके साथ इसका नाम भी दिया गया है कि इस पोर्टल का नाम है स्वास्थ्य. अब क्वेश्चन ये है कि ये किस मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है बाय आर ट्राइबल मिनिस्टर मिस्टर अर्जुन मुंडा. देखिए, यहाँ पे ट्राइबल नाम आ जाता है तो हम अगर एक स्ट्रेट लॉजिक लगाते हैं तो यही आंसर हमारा होना चाहिए. ठीक है, तो इसी तरीके के लॉजिक के लिए अगेन आपको पता होना चाहिए कि मिनिस्ट्रीज के हर कोई मिनिस्टर कौन है. ठीक है, तो ये जो पोर्टल हम देख रहे हैं यहाँ पे ट्राइबल हेल्थ और उनके न्यूट्रिशन रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको स्वास्थ्य पोर्टल में डायरेक्टली यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी. ठीक है, स्वास्थ्य पोर्टल, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता था कि ये पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तब आप बताते हैं कि ट्राइबल मिनिस्ट्री के द्वारा. ठीक है, मिस्टर अर्जुन मुंडा. अब देखिए, हम यहाँ पे ट्राइबल रिलेटेड न्यूज देख रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज को हम कवर कर लेते हैं. जैसे कि ओडिशा रिसेंटली फर्स्ट स्टेट, ऐसा पहला स्टेट बना था जिन्होंने ISO सर्टिफाइड ट्राइबल हॉस्टल्स का उद्घाटन किया था. ट्राइबल हॉस्टल्स ये काफी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ऐसा पहला स्टेट है. इसके अलावा अभी ट्राइबल मिनिस्ट्री को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया था. फिर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको एक गोल इनिशिएटिव या एक गोल प्रोग्राम आपको याद रखना है. ये जो गोल प्रोग्राम है इसका पूरा फुल फॉर्म है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स. ये जो इनिशिएटिव है ये भी हमारे ट्राइबल मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया है जो कि फेसबुक के साथ एक जॉइंट इनिशिएटिव था. ठीक है, और इसमें क्या करेंगे, डिजिटल स्किलिंग करने वाले हैं सभी ट्राइबल यूथ की. और आज हमने देखा कि इनके द्वारा एक स्वास्थ्य पोर्टल भी लॉन्च किया गया है. अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है नवरोज के बारे में कि नवरोज जो है ये एक फेस्टिवल है, ये किस कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है बाय द कम्युनिटी ऑफ पारसीज. काफ़ी इंपॉर्टेंट एक फेस्टिवल होता है नवरोज पारसीज का. और ये क्या होता है, तो ये एक न्यू ईयर फेस्टिवल होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा, क्वेश्चन एक्चुअली है हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, ये रिसेंटली किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसे लॉन्च किया गया है बाय आर वेरी ओन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी. देखिए, जैसे कि हम जानते हैं आधार कार्ड, ठीक है, तो आधार कार्ड में हमारी काफ़ी सारी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती है. वैसे ही आप समझ लीजिए कि एक आपका हेल्थ कार्ड बनेगा. ठीक है, ये जो हेल्थ कार्ड होगा आपकी जितनी भी हेल्थ कंडीशंस है, जितनी भी आपके ट्रीटमेंट्स है, जितनी भी इसकी कॉस्ट है, सब कुछ जो है आपको इस हेल्थ कार्ड में प्रोवाइड किया जाएगा. ठीक है, तो इसी के लिए जो इनिशिएटिव है ये लॉन्च किया गया है बाय आवर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी, जिसका नाम होने वाला है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन. ठीक है, तो आपको जितना भी हेल्थ रिलेटेड चीज़ें हैं उन्हें डिजिटाइज करना है. ये जो स्कीम है इन्होंने 15 अगस्त की स्पीच में इन्होंने बताया कि ये इसे लॉन्च कर रहे हैं.
इसी के साथ इन्होंने प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ लायन एंड प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ डॉल्फिन्स, ये दोनों भी इन्होंने लॉन्च किए हैं और ये भी 15 अगस्त को किए थे। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि किसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, तो हमारे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और अभी हमने देखा कि इनके द्वारा नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे इंडियन रेलवे यानी कि भारतीय रेलवे के बारे में देख रहे हैं। यहाँ पे ये दुनिया का देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वर्ल्ड्स टॉलेस्ट की बात कर रहे हैं। वर्ल्ड्स टॉलेस्ट पायर ब्रिज को ये लॉन्च करने वाले हैं, कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। सबसे लंबा घाट पुल का निर्माण कर रहा है। क्वेश्चन ये है कि ये कहाँ हो रहा है, तो इंडियन रेलवे इसे कंस्ट्रक्ट कर रही है मणिपुर में। क्वेश्चन देखिए अगेन पूछा जा सकता था कि कौन इसे कंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे अगर BRO का ऑप्शन होता हमारा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का अगर दिया रहता तो हम कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन आपको याद रखना है इंडियन रेलवे इसे कंस्ट्रक्ट कर रही है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट, दुनिया का सबसे लंबा घाट पुल कहाँ, मणिपुर में। तो ये होने वाला है इजाई रिवर के ऊपर मणिपुर में, जो कि करीब 141 मीटर्स लंबा होने वाला है। अब देखिए हम यहाँ पे रेलवे की बात कर रहे हैं, तो हमारे रेलवे मिनिस्टर कौन है ये भी हमें पता होना चाहिए, मिस्टर पीयूष गोयल जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे बुक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आज का हमारा 6th क्वेश्चन। बुक का पूरा नाम है अ बेंड इन टाइम राइटिंग्स बाय चिल्ड्रन ऑन COVID-19 पैंडेमिक। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि ये किसके द्वारा लिखी जा रही है, तो ये बुक एक्चुअली लिखी जा रही है बाय मिस्टर बिजल बच्चा रजानी। देखिए एक्चुअल बात यह है कि ये जो बुक है इसका जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है वो मिस्टर बिजल के द्वारा लिखा जाने वाला है, और इसे पब्लिश किया जाएगा बाय टॉकिंग कब। इसमें और काफी सारे आर्टिस्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन है, बट मेन हमें याद रखना है अबाउट मिस्टर बिजल। ठीक है, तो बुक का नाम याद रखिएगा, अ बेंड इन टाइम राइटिंग्स बाय चिल्ड्रन ऑन कोविड 19 पैंडेमिक। इन द सेम वे वी हैव अनदर बुक जो कि इनॉग्रेट की गई है बाय द मिजोरम चीफ मिनिस्टर मिस्टर जोरम थंगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, रिलीज की है 13 बुक्स और कलेक्शन ऑफ 10 पोएम्स, 10 पोएम्स का कलेक्शन, जिसका नाम दिया गया है कोरोना कविता खल। इसे एक्चुअली लिखा गया है बाय द गवर्नर ऑफ मिजोरम मिस्टर PS श्रीधरन पिल्लई। ठीक है, तो इसे इनॉग्रेट कर रहे हैं मिस्टर जोरम थंगा जी। याद होगा अगर आपको, मैंने आपको मिजोरम के बारे में थोड़ा सा आपको एक वियर्ड सा लॉजिक बताया था, मिजोरम में जेड आता है, जोरम थंगा में भी जेड आता है और एजावल में भी जेड आता है, तो इससे आप क्या कर सकते हैं, जेड जेड करके इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, और अभी हमने क्या देखा, एक बुक इनके द्वारा लॉन्च की गई है, कोरोना कविता कल। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है ATL AI स्टेप अप मॉड्यूल। इसका फुल फॉर्म आपको बताया जाएगा, पर पहले इस सवाल का जवाब कि ATL AI स्टेप मॉड्यूल ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसे लॉन्च किया जा रहा है बाय नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग ने इसे लॉन्च किया है। अब क्वेश्चन आए कि ये है क्या एग्जैक्टली, तो देखिए ATL का फुल फॉर्म होता है अटल टिंकरिंग लैब और AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए, बच्चों में स्टूडेंट्स में इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए इस तरीके का ATL AI स्टेप अप मॉडल लॉन्च किया जा रहा है बाय नीति आयोग, और नीति आयोग इसे लॉन्च कर रहा है इन एसोसिएशन विद NASSCOM। ठीक है, NASSCOM के साथ मिलकर इसे लॉन्च कर रहे हैं। लास्ट हमने जब नीति आयोग की बात की थी तब देखा था कि इनके द्वारा स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम ये लॉन्च कर रहे हैं, स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम का सेकेंड एडिशन बल्कि, और ये इन्होंने किया था डेल टेक्नोलॉजीज के साथ मिलके। ठीक है, और आज हम देख रहे हैं ATL AI स्टेप अप मॉड्यूल, नीति आयोग और NASSCOM का। नाउ सिंस हियर वी टॉकिंग अबाउट नीति आयोग, तो इसका जो फुल फॉर्म है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हर बार आपको बताया जाता है, जो कि है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये क्या है, एक पॉलिसी थिंक टैंक है हमारे इंडिया का, जो कि फॉर्म किया गया था 2015 में। ठीक है, और ये हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसके चेयरपर्सन होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी, और प्रेजेंटली इसके जो CEO है वो है मिस्टर अमिताभ कांत। आज का 8th क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसरो के बारे में। इसरो हैज रिसेंटली नेम्ड वन ऑफ इट्स क्रिएटर ऑफ मून आफ्टर होम। ठीक है, तो क्रेटर मतलब ये मून है और इसमें जो गड्ढे होते हैं इन्हें क्रेटर्स कहा जाता है। मून पर जो क्रेटर्स हैं इसमें से एक क्रेटर का नाम किसके ऊपर अभी रिसेंटली रखा गया है, तो ये रखा गया है आफ्टर मिस्टर विक्रम साराभाई।
मिस्टर विक्रम साराभाई इन्हें माना जाता है एज द फाउंडिंग फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। ये काफ़ी बड़े और काफ़ी फेमस इंडिया के एस्ट्रोफिजिस्ट थे। अभी रिसेंटली इनकी 100th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है, तो इसी वजह से मून पर एक्चुअली देखिए चंद्रयान हमारा यहाँ पे है, चंद्रयान यहाँ पे है जो कि मून को पूरा रोटेट कर रहा है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो उन्हीं के द्वारा एक जो क्रिएटर है उसे आइडेंटिफाई किया गया और उसे रीनेम किया गया आफ्टर मिस्टर विक्रम साराभाई। नाउ हियर सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो ये हमारी इंडिया की स्पेस एजेंसी है जो कि हेडक्वार्टर्ड है बेंगलुरु में। बेंगलुरु कहाँ? कर्नाटका में। इसे फॉर्म किया गया था 1969 में और प्रेजेंटली इसके जो चेयरमैन हैं वो है मिस्टर के सिवन। और इनके बारे में अगर बताया जाए तो रिसेंटली इन्हें वोन करमान अवार्ड से नवाजा गया था। ओके, और सो इसरो ने अभी कुछ समय पहले ब्राजील की एक सैटेलाइट जिसका नाम है एमेजोनिया, इसे लॉन्च किया गया था बाय इसरो। और अभी हमने देखा कि क्रिएटर को ये नेम कर रहे हैं आफ्टर मिस्टर विक्रम साराभाई। इसी तरह एक और न्यूज है हमारे पास इसरो से ही रिलेटेड, दैट इन्होंने IISA यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के साथ मिलकर डेवलप किया है ब्रिक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, यानी कि इनके द्वारा स्पेस ब्रिक्स को ये इन्होंने डेवलप किया है जो कि मून के सर्फेस के ऊपर यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए हम ईंट जानते हैं, ब्रिक का मतलब होता है ईंट, तो ऐसी ईंट समझिए जो कि आप मून में इस्तेमाल कर सकते हैं, चांद के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये किया गया है बाय इसरो अलॉन्ग विद IISA बेंगलुरु। इन्होंने इसके अंदर लूनर सॉइल यानी कि मून का जो सॉइल होता है उसे इस्तेमाल किया है, कुछ बैक्टीरियाज और कुछ गोवा बीन्स, इन सभी को मिला के इन्होंने बनाया है स्पेस ब्रिक्स। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इसरो किसके साथ मिलकर स्पेस ब्रिक्स बना रहा है, तो जवाब क्या होगा? IISA बेंगलुरु। आज का 9th क्वेश्चन है दैट विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली डेवलप्ड अ रूम डिस इन्फेक्शन डिवाइस जिसका नाम है UV Safe। तो UV Safe ये बनाया गया है बाय IIT रोपड़, यानी कि कमरे के लिए जो कीटाणु शोधक डिवाइस है ये इनके द्वारा बनाई गई है और इसका नाम है UV Safe। IIT रोपड़ की बात करें तो ये कहाँ है? तो ये पंजाब में है। पहली बात, कुछ रीसेंट न्यूज़ की बात करें तो IIT रोपड़ ने वॉट बॉट करके एक रोबो बनाया था जो कि कोविड पेशेंट्स के लिए हेल्प करेगा। इसके अलावा हमने देखा कि इनके द्वारा UV Safe करके एक रूम डिसइंफेक्शन डिवाइस बनाया गया है। इसी तरीके से एक और हम न्यूज़ देख रहे हैं जाधवपुर यूनिवर्सिटी के बारे में। जाधवपुर यूनिवर्सिटी, इनके द्वारा डेवलप किया गया है एक इलेक्ट्रॉनिक मास्क। हाँ, सोचने में थोड़ा सा वियर्ड है, थोड़ा सा अलग सी न्यूज़ है कि इलेक्ट्रॉनिक मास्क जैसी चीज़ है, पर देखिए ये जो मास्क होगा इसके आसपास एक इलेक्ट्रॉनिक फील्ड होगी, तो कोई भी वायरस अगर इसके संपर्क में आता है तो वो जो फील्ड है, वो जो इलेक्ट्रॉनिक मास्क के द्वारा बनाई गई है, वो उसे किल कर देगी, ठीक है। तो ये जो मास्क है ये सेल्फ चार्जेबल है और इस तरीके का मास्क बनाया गया है बाय जाधवपुर यूनिवर्सिटी। और इस सेक्शन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि किस यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है अंडर द रैंकिंग गिवन बाय एजुकेशन मिनिस्ट्री। तो हमारी जो ह्यूमन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है HRD मिनिस्ट्री, इसे रिसेंटली रीनेम किया गया था एज एजुकेशन मिनिस्ट्री। इनके द्वारा एक रैंकिंग निकाली गई है सभी यूनिवर्सिटीज की, इसमें सबसे अच्छा परफॉर्म किसने किया है, तो ये किया गया है बाय जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी। जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी ये कहाँ है? तो ये दिल्ली में है। ओके, इसी के साथ सेकंड बेस्ट जो आई है वो है आपकी राजीव गांधी यूनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश की, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश की। और इसी के साथ JNU जवाहर नेहरू यूनिवर्सिटी ये थर्ड रैंक की है, ठीक है। तो जामिया फर्स्ट, राजीव गांधी अरुणाचल प्रदेश वाली सेकेंड और JNU थर्ड। ये किसके द्वारा दी गई है? तो एजुकेशन मिनिस्ट्री। इसी तरीके से 2-3 और हमारे पास यहाँ पे रैंक्स है, तो साथ में आपको यहाँ दिया गया है। पहला आपको देखिए यहाँ पे दूसरी नहीं देखनी, पहली न्यूज़ देखनी है। पहली दी गई है पंजाब के बारे में, तो पंजाब हैज़ अचीव द फर्स्ट रैंक इन ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, ठीक है। तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के ऑपरेशनलाइज करने के लिए यानी कि उसे चलाने के लिए सबसे अच्छा रैंक किया गया है बाय पंजाब गवर्नमेंट। और ये जो रैंकिंग है ये रिलीज की गई है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसे रिलीज किया गया है, फर्स्ट रैंक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। इसके बाद तीसरी रैंक हम आज की देख रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के बारे में, यानी कि आवास और शहरी मामलों का जो मंत्रालय है, इनके द्वारा एक और रैंकिंग निकाली गई है अंडर द अमृत स्कीम, जिसे हम अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मिंग स्कीम कहते हैं, ठीक है। तो इस स्कीम के अंदर टॉप किसके द्वारा किया गया है? तो इसके अंदर टॉप किया गया है बाय ओडिशा, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन अंडर अमृत स्कीम जो कि दी गई है बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स।
कौन सा स्टेट? तो ओडिशा। ओके, तो तीन हमने आज रैंकिंग देखी। पहली हमने देखी जामिया मिलिया वाली, दूसरी हमने देखी पंजाब वाली, और तीसरी हम देख रहे हैं ओडिशा वाली। तीनों आपको याद रखनी है। आज का हमारा नेशनल न्यूज़ का सेक्शन थोड़ा लंबा था, बट कोई बात नहीं। अब जो नेक्स्ट सेक्शन हम देखेंगे वो होगा हमारा ओबिचुरी रिलेटेड क्वेश्चन। इसमें एक्चुअली एक ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है अबाउट मिस्टर चेतन चौहान, ही रिसेंटली पास्ड अवे, ही वॉज अ फेमस हू। तो ये एक काफ़ी फेमस क्रिकेटर थे, ठीक है, काफ़ी फेमस एक क्रिकेटर थे, और अभी अभी रिसेंटली इनका निधन हो गया है। इन्हें अर्जुना अवार्ड से भी नवाजा गया था, सम्मान दिया गया था इन्हें इन द ईयर 1981। और एक क्रिकेटर होने के साथ साथ ये एक पॉलिटिशियन भी थे, ठीक है, तो यूपी के कैबिनेट मिनिस्टर भी ये रह चुके हैं, मिस्टर चेतन चौहान। तो ये आपको याद रखना है इनके बारे में। एंड सिंस वी हैड जस्ट वन क्वेश्चन, वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है अबाउट मिस्टर लुइस हैमिल्टन, ही हैज रिसेंटली वन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रैंड प्रिक्सेस। तो इनके द्वारा जीता गया है फॉर्मूला वन स्पैनिश ग्रैंड प्रिक्स, फॉर्मूला वन ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स और हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स। ये तीनों इनके द्वारा जीते गए हैं। अभी सबसे जो रिसेंट है वो है स्पैनिश का ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है। और अगर यहाँ पे हम देखें तो आंसर क्या होगा हमारा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि डी। सिर्फ ये तीन ही नहीं बल्कि स्टीरियन ग्रैंड प्रिक्स भी इनके द्वारा जीता गया है। ओके, मिस्टर लुइस हैमिल्टन की हम बात कर रहे हैं। ऑल्सो इसी के साथ मिस्टर मैक्स वर्स्टैपन, ही केम सेकेंड, एंड मिस्टर वाल्टेरी बोत्तास, ही केम थर्ड। ठीक है, स्पैनिश ग्रैंड प्रिक्स की बात हो रही है। अब हम यहाँ पे मिस्टर लुइस हैमिल्टन की बात कर रहे हैं, तो इनकी जो कंपनीज होती है F1 रेसेस की वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। ही बिलोंग्स टू मर्सिडीज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ये किस कंट्री को बिलोंग करते हैं? तो ये ब्रिटेन या फिर ये एक ब्रिटिश सिटीजन है मिस्टर लुइस हैमिल्टन। ओके, आज का 13th क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट हु वॉज द ओनली कैप्टन। कौन से ऐसे इकलौते कैप्टन हैं जिनके द्वारा तीन मेजर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ट्रॉफीज जीती गई है? वो जो तीन मेजर ट्रॉफीज हैं वो है वर्ल्ड कप की, वर्ल्ड कप T20 की और चैंपियंस ट्रॉफी की। तो ऐसे इकलौते कैप्टन जिनके द्वारा ये तीनों जीता गया है वो कौन है? तो वो है मिस्टर MS धोनी, मिस्टर महेंद्र सिंह धोनी, इनके द्वारा जीती गई है। ये क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि मिस्टर धोनी ही हैज़ रिसेंटली अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट से अनाउंस किया है, इसका मतलब यह है कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे पर इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलेंगे। हम यहाँ पे मिस्टर धोनी की बात कर रहे थे, इनके कुछ और नेशनल अवार्ड्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि 2018 को इन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया था, जो कि हमारे इंडिया का थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। 2009 को इन्हें पद्मश्री दिया गया था। 2007-08 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी दिया गया था। और कुछ इनके द्वारा रिकॉर्ड्स बनाए गए, जैसे कि हमने पीछे देखा ही वॉज दी ओनली कैप्टन, वैसे ही कुछ रिकॉर्ड्स देखे जाएं तो मिस्टर MS धोनी ही हैज प्लेड दी मोस्ट इंटरनेशनल मैचेस एज अ कैप्टन। ही ऑल्सो होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ मोस्ट नॉट आउट्स इन ODIs। ये भी एक रिकॉर्ड है। और MS धोनी के द्वारा रिकॉर्ड बनाया गया है ऑफ मोस्ट स्टंपिंग्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट। ठीक है, तो इतने सारे रिकॉर्ड्स इनके द्वारा किए गए हैं, बल्कि और भी सारे काफ़ी अवार्ड्स हैं, बट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे वो हमने यहाँ डिस्कस कर लिए। इनके द्वारा अभी रिटायरमेंट अनाउंस किया गया है। इन्हीं के साथ मिस्टर सुरेश रैना, इन्होंने भी अपना इंटरनेशनल क्रिकेट से अनाउंस कर दिया है रिटायरमेंट। अब इनके द्वारा एक रिकॉर्ड देखा जाए तो ही इज़ द फर्स्ट इंडियन बैट्समैन हु हैज स्कोर्ड अ सेंचुरी इन ऑल थ्री फॉर्मैट्स। मतलब कि तीनों जगहों पे इनके द्वारा, तीनों जो फॉर्मैट्स हमने देखे अभी, उन तीनों में इन्होंने सेंचुरी मारी है। ओके, तो मिस्टर सुरेश रैना, इनके द्वारा भी क्या है, इन्होंने भी रिटायरमेंट अनाउंस की है। अब ये दो न्यूज़ तो हम सभी को पता है। तीसरी न्यूज़ एक और रिटायरमेंट की है, और ये है ऑफ द फॉर्मर इंग्लैंड ऑलराउंडर लॉरा मार्श। लॉरा मार्श ये कौन सी कंट्री को बिलोंग करती है? तो इंग्लैंड को। प्लस ये एक ऑलराउंडर थी, ठीक है, और इन्होंने क्या किया, सभी फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट से अभी अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। तो ये तीसरी हमने आज रिटायरमेंट की न्यूज़ देखी, पहली मिस्टर MS धोनी, दूसरी मिस्टर सुरेश रैना, और तीसरी है लॉरा मार्श। एंड विद दैट हमारा स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ खत्म हुआ, और अब हम आगे बढ़ेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस में। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस बैंक ने लॉन्च किया है शौर्य KGC कार्ड। ये किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है बाय HDFC बैंक।
अब ये जो शौर्य कार्ड्स है ये किसके लिए किए गए हैं, तो जो हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस होती है उनके लिए किया गया है। और ये किस लिए, तो जो एग्रीकल्चर रिलेटेड लोन्स होते हैं ना उसके लिए ये किया गया है, यानी कि जो हमारी इंडियन आर्म फोर्सेज है अब वो आसानी से एग्रीकल्चर रिलेटेड लोन्स जो है वो ले सकेंगी अंडर दी शौर्य KGC कार्ड। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो HDFC। अब देखिए हम यहाँ पे HDFC बैंक की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा जो बैंक है इसे फॉर्म किया गया था इन द ईयर 1994। ये बैंक प्रेजेंटली हेडक्वार्टर्ड है आपका मुंबई में, और इसके प्रेजेंट CEO है मिस्टर शशिधर जगदीशन। और अभी रिसेंटली इन्हें अपॉइंट किया गया था मिस्टर शशिधर को। ओके, कुछ रिसेंट न्यूज़ की बात करें, चूँकि HDFC बैंक से इंपॉर्टेंट है, तो इनके द्वारा समर ट्रीट्स कैंपेन शुरू किया गया था, इसी के साथ इन्होंने ई किसान धन भी शुरू किया था। ठीक है, तो ये इजी लोन किसानों को देने के लिए, प्लस इनके द्वारा एक जिप ड्राइव ऑनलाइन, इनके द्वारा एक इंस्टेंट लोन्स की फैसिलिटी शुरू की गई थी। ठीक है, जिप ड्राइव। और इसके बाद हम हार नहीं मानेंगे एक गाना इनमें इन्होंने रिलीज किया था, जिसके लीड सिंगर थे मिस्टर AR रहमान। ओके, तो इतना आपको याद रखना है HDFC बैंक के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस बैंक ने लॉन्च किया है एक कैंपेन जिसका नाम है डिजिटल अपनाएं। तो डिजिटल अपनाएं, इस तरीके का जो अभियान है, ये जो कैंपेन है, ये शुरू किया गया है बाय PNB बैंक। और जैसा कि नाम में बताया जा रहा है, डिजिटल अपनाएं यानी कि डिजिटल पेमेंट्स और डिजिटाइजेशन को ज़्यादा प्रमोट करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक ने इसे लॉन्च किया है। सो सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट PNB यानी कि पंजाब नेशनल बैंक, इस बैंक को फॉर्म किया गया था इन द ईयर 1894, इसे 1894 में फॉर्म किया गया था। ये हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में। देखिए यूजुअली आपके बैंक्स जो होते हैं वो मुंबई बेस्ड होते हैं, बट ये न्यू दिल्ली बेस्ड है। प्रेजेंटली इसके जो CEO है, MD CEO, वो है मिस्टर एस एस मल्लिकार्जुन राव। प्लस कुछ रिसेंट न्यूज़ देखें तो पंजाब नेशनल बैंक ने अभी एक कैंपेन लॉन्च किया था जिसमें ये फेस मास्क और सैनिटाइजर्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज हमने देखा कि इनके द्वारा डिजिटल अपनाए एक कैंपेन शुरू किया गया है। सो विद दैट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हमने फिनिश कर लिया और आगे बढ़ रहे हैं स्टेट रिलेटेड न्यूज में। सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं दैट विच यूनियन टेरिटरी हैज रिसेंटली सेलिब्रेटेड डी ज्यूरी डे। ये किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो ये एक्चुअली सेलिब्रेट किया जा रहा है बाय पौंडीचेरी। इस दिन को इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि अभी इन्होंने अपनी 59th एनिवर्सरी मनाई है। ये जो एनिवर्सरी है, इट इज़ अबाउट द मर्जर ऑफ पौंडीचेरी विद द यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया में ये पहले इंक्लूडेड नहीं थी। इन्हें ऑफिशियली इंक्लूड किया गया था इन द ईयर 1962। ठीक है, इसके पहले फ्रेंच जो पार्लियामेंट है उनके द्वारा रेटिफिकेशन नहीं आया था, इस वजह से नहीं हो पाया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डी ज्यूरी डे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अलग से ये डी ज्यूरी डे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये किसके बारे में है, पौंडीचेरी के बारे में। देखिए पौंडीचेरी की हम बात करें तो ये एक्चुअली काफी अलग अलग जगहों पे स्प्लिट है, जैसे कि आपको यनम यहां मिलेगा, पौंडीचेरी, कराईकाल और माहे, चार पार्ट से मिलकर आपका पौंडीचेरी बनता है। और ये अलग अलग स्टेट्स में आपको मिलेंगे, जैसे कि आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में और केरला में। प्रेजेंटली यहाँ के चीफ मिनिस्टर है मिस्टर PV नारायण स्वामी और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है किरण बेदी जी। ओके, तो हमने देखा अबाउट पौंडीचेरी। अब नेक्स्ट हमारा 17th क्वेश्चन है दैट विच स्टेट हैज लॉन्च्ड अ येलो चेन इनिशिएटिव। तो ये जो येलो चेन इनिशिएटिव है शुरू किया गया है बाय नागालैंड, जो कि एक सेंट्रलाइज्ड ई कॉमर्स प्लेस है। ठीक है, ई कॉमर्स सिस्टम है बल्कि, और ये इस तरीके का सिस्टम होगा जहाँ पे कोई भी बायर हो, कोई भी सेलर हो, वो आसानी से अपने आप को रजिस्टर कर सके और आसानी से ट्रांजैक्शन कंडक्ट कर सके। ठीक है, तो येलो चेन इनिशिएटिव बाय नागालैंड। अब हम नागालैंड की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में हमारा ये एक स्टेट है नागालैंड, जहाँ की कैपिटल है कोहिमा। देखिए यूजुअली हम जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स होते हैं वहाँ की कैपिटल रिमेंबर नहीं कर पाते, याद नहीं कर पाते, बट आपको याद रखना है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है मिस्टर नेफ्यू रियो और यहाँ के गवर्नर है मिस्टर RN रवि। और अभी हमने देखा कि इनके द्वारा एक येलो चेन इनिशिएटिव शुरू किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा, नागालैंड। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है अबाउट मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना, ये किसके द्वारा लॉन्च की जा रही है।
तो ये जो इनिशिएटिव है ये लॉन्च किया जा रहा है बाय गुजरात गवर्नमेंट। तो सवाल आता है कि ये किस बारे में है, तो ये एक्चुअली एक कंपनसेशन स्कीम है। अगर किसी भी फार्मर को किसी भी तरीके का नुकसान होता है जहाँ पे उनके जो क्रॉप्स हैं इसका लॉसेस हो गया ड्रॉट की वजह से या फिर काफ़ी ज़्यादा बारिश की वजह से, अनसीजनल रेन, यानी कि हम देख सकते हैं किसी भी तरीके के इन्वायरमेंटल रीजन की वजह से अगर कुछ नुकसान होता है फार्मर्स को, तो वो कवर अप किया जाएगा अंडर दी मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना। ठीक है, किसके द्वारा? तो गुजरात के द्वारा। अब गुजरात की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर विजय रूपानी, यहाँ के गवर्नर हैं मिस्टर आचार्य देवव्रत, यहाँ की कैपिटल क्या है तो वो है गांधीनगर। अब देखते हैं यहाँ के कुछ रीसेंट न्यूज़ के बारे में। गुजरात जो है ये फर्स्ट है, यानी कि ये फर्स्ट रैंक करता है इन दी सोलर रूफ टॉप इंस्टॉलेशन। सोलर रूफ टॉप का जो इंस्टॉलेशन होता है इसमें सबसे अच्छा इनके द्वारा परफॉर्म किया गया था। प्लस रिसेंटली फिक्की के द्वारा एक फूड सेफ्टी इंडेक्स निकाला गया था जिसमें सबसे अच्छा गुजरात ने परफॉर्म किया था। प्लस टेजर गन्स जो देखते हैं हम हॉलीवुड वगैरह में, उस तरीके की टेजर गन्स को इंट्रोड्यूस करने वाला जो पहला स्टेट है वो है गुजरात। इसके अलावा सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान ये भी इनके द्वारा शुरू किया गया था। ऑल्सो इंडिया का फर्स्ट हनी टेस्टिंग लैब ये कहाँ शुरू हो रहा है, तो ये भी गुजरात में। और कुछ समय पहले इनके द्वारा एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी का भी अनाउंस किया गया था, नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी। अब कुछ अगर हम यहाँ पे नेचुरल पार्क्स की बात करें तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका आता है गिर नेशनल पार्क, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया में सिर्फ एक ही जगह जहाँ पे आपको एशियाटिक लायंस मिलेंगे तो वो है आपका गिर नेशनल पार्क में। इसके अलावा आपको गल्फ ऑफ कच्छ कहाँ मिलता है, तो वो भी गुजरात में मिलता है। गुजरात जो है ये लॉन्गेस्ट सी शोर आपका बनाता है पूरे इंडिया के किसी भी स्टेट के साथ कंपेयर किया जाए तो, ठीक है, लॉन्गेस्ट सी शोर या फिर लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। और यहाँ पे आपको रानी की वाव देखने मिलेगी, रानी की वाव। यहाँ पे है नाल सरोवर लेक और इसके साथ है सरदार सरोवर डैम। तो ये जितनी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए सारी हमने डिस्कस कर ली गुजरात के बारे में। इसी के साथ हमारा स्टेट रिलेटेड खत्म हुआ न्यूज़, और आगे बढ़ेंगे हम इंटरनेशनल न्यूज़ के साथ। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक्चुअली क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन मैं आपको समझाती हूँ, क्वेश्चन ये है कि अभी तक जो भी हम टेस्टिंग करते थे, जो भी आपकी कोविड 19 के रिलेटेड टेस्टिंग होती थी वो आपके थ्रोट या फिर नोज का स्वॉब टेस्ट करते थे, ठीक है, स्वॉब की टेस्टिंग होती थी। लेकिन अभी क्या है, पहली बार किस कंट्री के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने सलाइवा सैंपल के थ्रू टेस्टिंग को अप्रूव कर दिया है, ठीक है, सलाइवा के थ्रू अब आप टेस्टिंग कर सकते हैं और कंफर्मेशन दे सकते हैं कि उस इंसान को कोविड 19 है या नहीं है। तो इस तरीके का जो अप्रूवल है ये दिया गया है बाय USA की गवर्नमेंट, ठीक है, तो सलाइवा सैंपल्स को अप्रूव करने वाली पहली गवर्नमेंट है USA। अब USA की हम बात करें यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, वो है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। यहाँ की कैपिटल क्या है, तो वो है Washington DC। सबसे इंपॉर्टेंट दो न्यूज़ है कि इन्होंने ओपन स्काई ट्रीटी से विदड्रॉ कर लिया है, प्लस WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी विदड्रॉल कर लिया है। प्लस कुछ समय पहले इनके द्वारा ऑपरेशन लेजेंड ऑर्गेनाइज किया गया था जिसमें वायलेंस के अगेंस्ट एक्शंस लेने के लिए इन्होंने किया था। और इसके अलावा मिस्टर चार्ल्स क्यू ब्राउन यहाँ पे बने थे फर्स्ट नॉन वाइट एयरफोर्स मार्शल यानी कि एयरफोर्स चीफ, कहाँ पे, अमेरिका में, ठीक है। और आज हमने देखा कि इनके द्वारा लॉन्च कर दिया गया है सलाइवा टेस्टिंग के थ्रू कोविड 19 की टेस्टिंग। अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं दैट विच ऑर्गेनाइजेशन हैज प्रोवाइडेड ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट टू इंडिया फॉर मॉनसून ऑफ अराउंड $40 मिलियन, ठीक है, तो $40 मिलियन की ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट हमें दी जा रही है बाय यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस हमें इस तरीके की ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट दे रहा है क्योंकि अभी मॉनसून की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है इंडिया में और उसी से लड़ने के लिए हमें यूनाइटेड नेशंस $40 मिलियन का ये लोन दे रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस की हम बात कर रहे हैं तो ये जो बॉडी है इसे फॉर्म किया गया था इन द ईयर 1945। ये कहाँ हेडक्वार्टर्ड है, तो ये न्यूयॉर्क सिटी में हेडक्वार्टर्ड है। प्लस प्रेजेंटली इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो वो है मिस्टर एंटोनियो गुतरेस, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जनरल असेंबली जो होती है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, इसके हेड कौन है, तो वो है मिस्टर तिजानी मोहम्मद बांदे। लेकिन ये क्या है, 74th असेंबली के हेड है। अभी जो नेक्स्ट आएगी 75th असेंबली, उसमें मिस्टर वोल्कान बोस्किर ये उसके हेड होंगे, मिस्टर वोल्कान बोस्किर, ओके, यूनाइटेड नेशंस $40 मिलियन। नेक्स्ट एक और ऐसा ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि है यूरोपियन यूनियन, इन्होंने लॉन्च किया है एक प्रोजेक्ट जिसका नाम है निर्माण श्री,
और ये किया है फॉर एनहांसिंग द वुमेन स्किल टुवर्ड्स हाउसिंग कंस्ट्रक्शन सेक्टर। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये इन्होंने किस स्टेट के डिस्ट्रिक्ट्स में इन्होंने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया गया है इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ओडिशा एंड इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये यहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि निर्माण श्री ये किसके द्वारा शुरू किया गया है ये प्रोजेक्ट, तब हमारा जवाब क्या होता, यूरोपियन यूनियन। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो निर्माण श्री है ये किस लिए है, जो लेडीज हैं उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए इसे किया गया है। यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो ये जो बॉडी है ये आपकी हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में, ब्रुसेल्स में। टोटल इसके 27 मेंबर्स हैं। प्रेजेंटली इसके जो हेड हैं वो है मिस्टर चार्ल्स माइकल, प्रेसिडेंट है यहाँ के। और आज हमने देखा कि ये निर्माण श्री स्कीम इनके द्वारा शुरू की जा रही है। अगला क्वेश्चन है यूनाइटेड किंगडम यानी कि जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट है उनके बारे में। अगेन यहाँ पे एक लोन रिलेटेड ही क्वेश्चन है। यूनाइटेड किंगडम की गवर्नमेंट दे हैव लॉन्च्ड हाउ मेनी अमाउंट का, कितने अमाउंट का इनोवेशन चैलेंज फंड इन इंडिया। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इनोवेशन चैलेंज फंड ऑफ इंडिया यूनाइटेड किंगडम की गवर्नमेंट शुरू कर रही है, अमाउंट पूछ रहे हैं कि इसका अमाउंट कितना है। तो इसका अमाउंट एक्चुअली है 3 मिलियन पाउंड्स, देखिए डॉलर्स नहीं है, 3 मिलियन पाउंड्स की बात हो रही है। किसके द्वारा, तो यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। अब ये जो फंड है ये आपका जितनी भी इंडस्ट्री है, जितना भी अकेडमी है, जितना भी अकेडमिक एरिया है उसमें इनोवेशन वगैरह को आगे बढ़ाने के लिए किया गया है, इनोवेशन चैलेंज फंड। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता था कि इनोवेशन चैलेंज फंड ये किस गवर्नमेंट के साथ मिलकर इंडिया लॉन्च करी है, तब आपका क्या जवाब होता, यूनाइटेड किंगडम। ओके, सो सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, यहाँ के कैपिटल क्या है हम सभी को पता है, यहाँ के कैपिटल है लंदन। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर बोरिस जोहानसन, और यहाँ की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। क्या करेंसी है, पाउंड स्टर्लिंग। इसलिए हमें लोन जो है वो 3 मिलियन डॉलर्स का मिला है, सॉरी 3 मिलियन पाउंड्स का मिला है। ओके, यूनाइटेड किंगडम की हमने बात की। सो विद दैट इट वॉज द एंड ऑफ इंटरनेशनल न्यूज सेक्शन। अब हम आगे बढ़ रहे हैं अवार्ड्स रिलेटेड क्वेश्चन में। यहाँ पे एक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है अबाउट राधा भाटिया जी, इनकी एक बुक है जिसे रिसेंटली इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड दिया गया है। यहाँ पे ये जो बुक है इसका नाम पूछ रहे हैं, तो इस बुक का नाम है लस्सी, लस्सी नाम है, और इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है राधा भाटिया जी के द्वारा। ठीक है, तो ये जो बुक हम देख रहे हैं लस्सी, इस बुक के अंदर जितनी भी आपकी ऑथेंटिक इंडियन डिशेज हैं उसमें उसके बारे में इन्होंने यहाँ पे दिया है। तो ये बुक इनके द्वारा लिखी गई है जिसे मिला है इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड। ठीक है, राधा भाटिया जी। विद दैट हमारा अवार्ड रिलेटेड क्वेश्चन खत्म हुआ और आज के हमारे लास्ट सेक्शन पे हमारे हैं अपॉइंटमेंट रिलेटेड। क्वेश्चन पूछा जा रहा है अबाउट मिस्टर कौशिक खोना, ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है, लेकिन किस ऑर्गेनाइजेशन के। तो इन्हें अपॉइंट किया गया है बाय गो एयर। ठीक है, गो एयर के अब ये नए CEO होंगे मिस्टर कौशिक खोना, गो एयर की हम बात करें तो ये हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसे फॉर्म किया गया था 2005 में। और प्रेजेंटली इसके चेयरमैन कौन है और प्रेजेंटली इसके CEO कौन है, तो वो है मिस्टर कौशिक खोना। आज का लास्ट सेकंड क्वेश्चन है अबाउट अमृतसर बेस्ड ई मोबिलिटी स्टार्टअप, कंपनी जिसका नाम है ई बाइक गो। ठीक है, तो ई बाइक गो में गो ने रिसेंटली किन्हें अपॉइंट किया है एज द ब्रांड एम्बेसडर। इनके द्वारा अपॉइंट किया गया है मिस्टर हरभजन सिंह को। ठीक है, ई बाइक गो क्या है, तो ये एक ई मोबिलिटी स्टार्टअप है और इन्होंने मिस्टर हरभजन सिंह को अपॉइंट किया है एज देयर ब्रांड एम्बेसडर। जितने भी ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मेक श्योर यू स्टार मार्क दीज क्वेश्चंस। नाउ वी हैव द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, दैट इज अबाउट मिस्टर शाहजान मुजीब, ही बिकेम द फर्स्ट एवर नेशनल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विच म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। मिस्टर शाहजान मुजीब ये किस नगर निगम के पहले नेशनल ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ठीक है, देखिए ये पहला क्वेश्चन है जहाँ पे फर्स्ट आ जाता है वो इम्पोर्टेंट होता है, तो फर्स्ट एवर बने हैं ऑफ अलीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और ये इन्हें किया गया है फॉर द स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब मिस्टर शाहजान की बात की जाए तो ये काफ़ी फेमस एक म्यूजिक डायरेक्टर और म्यूजिक कंपोजर हैं। ठीक है, और इन्हें अपॉइंट किया गया है बाय दी अलीगढ़ मुस्लिम कॉर्पोरेशन। अलीगढ़ मुस्लिम कॉर्पोरेशन ये कहाँ आती है, कौन सी स्टेट में आती है, तो उत्तर प्रदेश में आती है। ऑलराइट, सो दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। आज हमने जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज बनती है फॉर द 18th ऑफ अगस्त वो सारी हमने डिस्कस कर ली।
अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगता है, डू मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. एंड नाउ आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वन.